अभी तो खाने को नहीं मिला, लेकिन भाइयों का ख्वाब है कि हम इंडिया जाकर ये करेंगे, इनके ख्वाब जाना चाहते हैं ये, लेकिन वहाँ पर ख्वाब ये पूरा होगा कि इंडिया में जाकर सेम वाला मोबाइल होगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी ब्लैक कलर की, और बड़े आदमी होंगे, अच्छा एक बगल में खूबसूरत हाथ में हाथ डालकर लड़की हो, दूसरे हाथ में आईफोन वाला मोबाइल हो, एक पग भी हो, अच्छा हाँ गिलास भी धुला के पानी पिलाते हैं, कप में पानी पिलाते हैं, और गिलास अलग रखा हुआ है, गिलास भी अलग रखा हुआ है, वो हम लोग खुद धो के पानी देते हैं। मुस्लिम था भाई, उसने भगा दिया, उसने भगा दिया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ रहना पाकिस्तान में बेफजूल है। ये आपको रहने नहीं देती अपने कमरे में, ये रहेंगे तो हम रहेंगे, बहन आपको नहीं रहने देती, बनाओ कमरे में हम रहेंगे, इसको रहने दे, ऐसा खाना खाना पड़ रहा है, ये मिर्ची से रोटी खाता है, पेट बहुत दर्द करता है मेरे भाई, भी ये छोटे छोटे खाते हैं, बच्चे भी खाते, फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेने यार, देखे हमने खत्म करना सारी, वो इस चीज के जवाब दे वो है हिसाब, इन्होंने अल्लाह को देना, हमने इनसे हिसाब नहीं लेना, पढ़ दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ लें बस गल खत्म। अच्छा जी हमारे कर्तव्य यहां पर ये हमारे गिलास रखे हुए, ठीक है ना, यहां पर जो लटका कर रखे हुए हैं ये देख लो, ये है भाई हिंदुओं के गिलास, फिर वो धोने पड़ते हैं ऐसे देखो, जैसे हमारा हिंदू भाई धो रहा है, धो के फिर से डालेगा वहीं पर, और दोबारा पानी पीने आएगा तो यहीं पर, यानी कि पैसे भी देंगे पानी के और गिलास भी धोएंगे, ये भाई हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान के अंदर, ये पेड़ पे टांग दिए देखो। जय दोस्तों जय श्रीराम, तो भाई पाकिस्तान की ओल्ड इज गोल्ड एक वीडियो लेके आऊं, देखे भाई गर्मी का मौसम चला हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर भाई पैसे देकर भी उनके गिलास में पानी नहीं पी सकते, यानी कि जैसे घर में भी, आज मैं घर की बात करूँ, घर में भी जो एनिमल्स लवर है वो खुद जो हम खाना खाते हैं हम एनिमल्स को भी उसमें खिलाते हैं, तो भाई पाकिस्तान के अंदर कुत्तों से भी बुरी हालत कर रखी है भाई हिंदुओं की, यानी कि एक पेड़ पे बर्तन टांग के रखते हैं, ये है भाई वहाँ की हालत। ठीक है भाई, बाकी मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँ कि आपके यहाँ पर शिकंजी का क्या रेट चला हुआ, पाकिस्तान की शिकंजी का रेट आप वीडियो में देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। जो तुम्हारे अपना इंडिया वाले हैं ना गैर मुस्लिम लोग, वो जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, फिर भी हम तुम लोग पर जुल्म नहीं करते, इंडिया अपना गैर मुसलमानों पर हम जुल्म नहीं करते, ठीक है, सिर्फ यही फ़र्क रखा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, गैर मुसलमान जो गैर मुस्लिम हैं, बस उनके बर्तन अलहदा रखे हुए हैं और तो कुछ नहीं, क्या बस, और इंडिया वाले तो अपना कश्मीर इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं, औरतों के बुब्बे काट लिए, हाँ छातियाँ काट ली, अच्छा वो देखो फिर दसो की होगा, मोहब्बत होनी चाहिए इंडिया वालों, हिंदुस्तान है, टीवी में देखा है हमने, हाँ कश्मीर को वो गलियां नजर आती हैं, सारा को नजर आता है, जुल्म कर रहे हैं क्यों भाई, वजह क्या है, गैर मुस्लिम लोग मोहब्बत के लायक भी नहीं, बात हमारे खिलाफ किधर है, यहाँ पर रखे हुए हमारा गिलास यहाँ पड़ा है, ये वाला हमारे खिलाफ है, ये वाला ये वाले जो है हमारे खिलाफ है, ये बका कितने का एक बरा के देते हो, तो ये वाला जो 70 रुपये का गिलास है, और यहाँ पर जी हमने करने क्या होता है कि हम आते रहते हैं पानी पीने के लिए, अब यानी कि धोकर पानी पीते हैं और फिर धोकर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, तो अभी हम पानी भी पिएंगे और आप लोगों को ये दिखाएंगे भी, सारा कुछ लाइव दिखाएंगे, ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना है, और यहाँ पर जो है कश्काक जो है वो पानी भी धोकर रखी हुई है, जो कभी बनाने वाले हैं, तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आखिर मसला की है भाई साहब, और दोस्तों मैंने आखिर मसला की है, की चाहते हो मसला, हम ये चाहते हैं कि ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन ऐसे नहीं होने चाहिए, जैसे वो बर्तन है शीशे के गिलास है, ऐसे इनके भी अच्छा। उन्हीं बर्तन के अंदर आप इनको पानी पिलाया करें, वो अगर उसके अंदर पानी पिलाऊं तो मेरे पास गाग भी नहीं आएंगे भाई, मुसलमान जरूरी है, हाँ जी ये बात है, उसको समझाओ ना, जो मुल्क के हुक्मरान है उनको समझाओ, या फिर उसको समझाओ जो आलम ही है, बड़े बड़े आलम उनको समझाओ, आलम को समझाने, और दूसरा मीडिया जो आपको दिखाता है ना कि जी उधर ये होता है वे होता है, इस वजह से मुसलमानों के बर्तन वहाँ पर अलग होते हैं, इसलिए हमने हिंदुओं के बर्तन किए, ये सिर्फ मीडिया हमें गलत रिपोर्टिंग करता है, यही हमारे दिलों में नफरत कम हो, तो बिल्कुल आपकी बात सही, और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर हम ये इन्हीं बर्तनों में अपने जो हिंदू भाई हैं उनको शरबत देंगे तो मेरे पास किसी ने आना ही नहीं है, तो किसी ने यहाँ पर आके मेरे पास उन्होंने ये पानी पीना ही नहीं, शरबत पीना ही नहीं, तो इनकी ये मजबूरी है, जब मजबूरी नहीं है, जब आलम लोग कह देंगे ना भाई मुसलमान अपना हिंदू और मुसलमान बराबर के एक ही बर्तन में खा लें तो फिर खाएंगे, ये बात अभी ये जो आलम है वो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं मुसलमान का बर्तन अलहदा होना चाहिए, आप ये बताओ ख्वाजा सखी क्या नाम है, सखी सरवर, हाँ उन्हें जानते हो, लाल शहबाज कलंदर, नहीं सखी सरवर को जानते हैं हम, हाँ जो इधर दरिया के पार से जिनका है, नहीं उधर नहीं पहाड़ वाले पास है सखी सरवर, उनका ब्रीज आता है वो हमारे साथ होली बनाता है, वो हमारे साथ हमने अपने हाथ से यार, हम तो नहीं जानते, हम तुम्हारे साथ तो नहीं रहते ना, जानते हैं चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पर, नहीं मीडिया की उलमा किराम भी नहीं चाहते, लेकिन ये हमारे नबी के ना ही मानने वाले हैं ना ही कुछ, बात इसी पे शुरू होती है इसी पे खत्म होती है बस, देखिए जी बात मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के सब ने खाना खाया,
ईसाइयों ने भी खाया, यहूदियों ने भी खाया, तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेने यार? देखें हमने कल ही खत्म करना सारी वो इस चीज के जवाब दे, वो हैं हिसाब इन्होंने अल्लाह को देना, हमने इनसे हिसाब नहीं लेना। पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ लें कल खत्म। अच्छा जो हम जो कलमा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कलमे का मतलब क्या है आपको मतलब पता है इसका? मतलब ये कि नबी को नबी मानते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं और नबी का रसूल है। तो उसमें ये लिखा है कभी कहीं इस्लाम के अंदर या कलमे के अंदर इनके ऊपर हम तशद्दुद करें या जबरी इनको मुसलमान करें? देखिए इनकी अपनी मर्जी है ना, जबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन खाना पीना पीना तो अलग का कर सकते हैं ना। तो उसके क्या फायदा, क्या फायदा यही है उसके बर्तन अपने, हमारे बर्तन अपने। देखे तो दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन ये नहीं समझता, ये भाई हमारा नहीं समझता, लेकिन ये नहीं समझता। हमने बहुत कोशिश की इनको समझाने की कोशिश की, हमने ये भी बोला कि आप पैसे ले लें, इसी जैसे गिलास हमें दिए इसी गिलास में भाई ने बहुत कोशिश की, लेकिन भाई की नहीं मानी। भाई ने बहुत कोशिश किया यार कि आप शीशे के गिलास उन्हीं गिलास में पानी दे दे जिन्हें गिलास भाई पी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भाई ने बातें कहे नहीं यार आपका गिलास गलत था, हमने उसी में ही दे रहा है। ये इनको स्टील में पी लेना चाहिए था। चलो जी कोई बात नहीं, आप मुसलमान हो, आपको क्या लगता है हमसे नफरत करनी चाहिए या बस अल्लाह दी अल्लाह को पता? अच्छा आप वहाँ को कोई पता क्या? एक दफा कहने से ना वो नहीं होता, बार बार कुछ फकीर ने तो बोला नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अमल भी जरूरी है, जुबान से नहीं दिल से भी उन चीजों पे अमल होना चाहिए। भाई का ये कह रहा है कि हम जितनी मर्जी आपसे मोहब्बत कर रहे, लेकिन जो कश्मीर में जो इंडिया वाले जुल्म करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो आप सुनाएंगे भाई अपनी जुबानी से? भाई सुना क्या मतलब? मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे जितने भी हम मोहब्बत करें, जितना भी प्यार करें, एक बर्तन में खाएं एक बर्तन में पिए, लेकिन जो तुम्हारे अपना इंडिया वाले हैं ना गैर मुस्लिम लोग, वो जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, फिर भी हम तुम लोग पर जुल्म नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर, और चलो इसके एक बार इस बात को दोहरा लेते हैं, जो इस मैं वीडियो इसीलिए दिखाई है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार होते हैं, वहां पर हालत क्या है, कोई भी हिंदू वहां पर अमीर आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसने बोला भाई कश्मीर के अंदर तुम्हारे गैर मुस्लिम ने हालत खराब कर रखी है। भाई साहब हमारे को छोड़िए, अपने कश्मीर को एक बार झांक के देख लीजिए भाई, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारे कश्मीर के अंदर फिलहाल की क्या सिचुएशन है, जो हम पीओके कश्मीर बोलते हैं, तुम आज़ाद कश्मीर बोलते हो, नंगा कर कर पीट रहे हैं भाई। पाकिस्तान की आर्मी को पुलिस को डंडों से पीटा जा रहा है, वीडियो मेरे पास मोबाइल में पड़ी है, और अपना जो दूसरा चैनल है ताऊ रिएक्शन, वहां पर मैंने, अरे यही तो है ताऊ रिएक्शन चैनल, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने सुबह ही वीडियो डाल लिया है, वहां पर देखिए कैसे आवाम भाई हजारों में लाखों में नहीं बल्कि 20 लाख से लेकर 30 लाख तक के जो है पब्लिक सड़कों पर निकली है, महंगाई से परेशान इतनी हो चुकी है। तुम तो भाई देख लेना अभी कल या परसों राजधानी की तरफ आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, 76 साल हो चुके हैं भाई एक और टुकड़े, क्योंकि भारत के पहले गृह मंत्री जी ने बोला था, आप कमेंट जरूर करें गृह मंत्री पहले कौन थे, उन्होंने बोला कि भाई किसी भी धर्म मजहब के नाम पर, सिर्फ एक सिंगल मजहब के नाम पर देश बनता वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। 1971 में टुकड़े हो चुके थे, 24 अभी चला हुआ है, एक बार फिर से आएगी मोदी सरकार और 25 में पाकिस्तान। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर रखें। जय जवाहर जय श्री राम।